हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सेल्फ आइडेंटिटी, जिसे कि स्वयं पहचान कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सो आइडेंटिटी वर्ड जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द आइडेंटिटी से लिया गया है, जिसे लैटिन भाषा के वर्ड आइडेंटिटेज से लिया गया था। सो ये आइडेंटिटी है क्या, पहचान क्या है, खुद को पहचानना। हम इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेल्फ इस्टीम होनी चाहिए व्यक्ति में, व्यक्ति को जो है हमेशा खुद को समझना चाहिए उसकी पहचान क्या है। लेकिन हम कैसे पहचान करते हैं, अगर हम जेंडर की बात करें कि वो मेल है या फीमेल है, या कलर बेस्ड हम कहते हैं कि वो गोरा है या काला है, ये पहचान नहीं होती। लेकिन जब हम पहचान करते हैं, इसमें पहचान का मतलब क्या है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है, हमें क्या योग्यताएं हैं और हमें क्या कमियां हैं। एक व्यक्ति या वस्तु को बनाने वाली स्थिति, सेल्फ आइडेंटिटी क्या है कि हम कैसे क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है जज है, या ये व्यक्ति जो है वो टीचर है, ये व्यक्ति क्या है प्रोफेसर है, ये उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी पहचान है कि वो ये है, और उसकी पहचान ही उसे इतना कैपेबल बनाती है कि वो ये बन सके। नेक्स्ट है किसी दूसरे के जैसे बनने की स्थिति या तथ्य। हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति ऐसा बना है तो अगर मैं भी काश ऐसा बन पाऊँ, तो हम दूसरों की आइडेंटिटी को देखते हैं और उस बेस पर जो है अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, और हम उतनी विशेषताओं या फिर उतने जो एडवांटेजेस हैं उनको ग्रहण करना चाहते हैं ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। सो, पहचान जो है वो एक स्वयं परिभाषा है, मतलब कि अपने बारे में समझना है, अपने बारे में सोचना है, क्योंकि सभी की पहचान जो है वो अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो एक जैसा नहीं होता, सभी व्यक्ति जो है यूनिक होते हैं। तो इसीलिए खुद को समझना, खुद की पहचान करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से जो कारण हैं वो प्रभावित करते हैं स्वयं पहचान को। सबसे पहला है कल्चर। कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति, कि हमने जहाँ जन्म लिया है वो सोसाइटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के ट्रेडिशन कैसे हैं, वहाँ के नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हिंदू सोसाइटी में हमें कैसे पाला जाता है, हमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस या वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं। मुस्लिम या सिख परिवार में और तरीके के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और तरीके की वैल्यूज़ जो हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। जिस भी हम कल्चर में जन्म लेते हैं, जिस भी ट्रेडिशन में हम जन्म लेते हैं, उससे भी हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, और उससे ही हमारा करेक्टर फॉर्मेशन भी होता है, हमारा चरित्र भी उससे ही बनता है, और हमारा व्यक्तित्व का विकास, मतलब कि हमारा हम कैसे हैं, हमें कैसा डील करना चाहिए दूसरों के साथ, ये भी हम कैसे सीखते हैं जब हम खुद को पहचानते हैं, जैसे हमारी आइडेंटिटी जब फॉर्म होती है। हम कल्चर में कल्चर जो है हमारा, वो हमें क्या सिखाता है कि दूसरों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा, और हमें इम्प्रूव करना सिखाता है हमारे बिहेवियर को दूसरों के साथ, कि हमें दूसरों के साथ हमेशा ही अपनत्व की भावना होनी चाहिए, दूसरों को हमेशा ही हमें अपना मानना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से भाषा भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारी पहचान में। जैसे हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति अगर पंजाबी बोल रहा है तो वो पंजाब से होगा, बंगाली बोल रहा है तो वो बंगाल से होगा, तो इसी तरीके से भाषा से भी हम जो है जान पाते हैं, और भाषा से भी व्यक्ति की आइडेंटिटी फॉर्म होती है, और हम ज़्यादा सोच पाते हैं। हम अगर बात करें कि अगर व्यक्ति को कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो उस कल्चर के बारे में जान ही नहीं पाएगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं या क्या सोचते हैं। तो इसी तरीके से व्यक्ति की सेल्फ आइडेंटिटी बनने में, पहचान बनने में भाषा का बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट है धर्म। धर्म क्या है, हम कहते हैं ना कि हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए, हमें अधर्मी नहीं बनना चाहिए, हमें जो है दूसरों की सेवा करनी चाहिए, हम सभी भगवान का अंश हैं, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, हमें छोटों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, हमें बड़ों से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारे क्या हैं, ये सभी हमारे धर्म हैं, धर्म में जो बताए गए हैं, जैसे कि फास्ट रखना या मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारे हमें धर्म ने सिखाया है। सो, अगर हम देखते हैं कि हम पूजा करते हैं, या फिर हम कई व्यक्ति होते हैं आस्तिक, कई होते हैं नास्तिक, जो कई बार आस्तिक होते हैं वो काम रहते हैं ज़्यादातर, और नास्तिक होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, कई बार ऑपोजिट भी होता है नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर जो है धर्म हमें क्या सिखाता है, हमेशा ही पीसफुली रहना, हमेशा ही शांत रहना, और उससे भी हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो है वो बनती है। एंड द लास्ट वन इज़ फैमिली, दैट इज़ परिवार। हमने किस परिवार में जन्म लिया है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके ही ट्रेडिशन को हम फॉलो करेंगे। जब उसको फॉलो करेंगे तो उससे भी हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म होगी। हम कहते हैं ना कि ये उस
ये बच्चे जो है उसका बेटा है या उसकी बेटी है, ये क्या है, हमारी पहचान है, हमारी खुद की पहचान है, जिसे कि हम स्वयं पहचान कहते हैं। और हमारी फैमिली जो हमारा परिवार है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बाय बर्थ बर्थ के बाद से ही हमने बहुत कुछ जो है अपने फैमिली से ही सीखा होता है, ठीक है। जेंडर रोल्स हो गए, हमें कैसे दूसरों से बात करनी है, किस वे से बात करनी है, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, ये सब हम किससे सीखते हैं, अपने परिवार से। तो ये ही हमारे पहचान का एक कारण है। सो आज हमने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।